जे वीडियो उन्हीं सभी के लिए जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी ये वीडियो देखने के बाद। मैं सारे स्टेप क्लियर करूंगा, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको कैरी करने हैं। मैं इस वीडियो में एंट्री से लेके जब तक मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंचता हूँ सारी चीज मैं आपको अपनी बताऊंगा इस वीडियो में। सभी उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए भी ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया, उनके लिए। तो भाई सुबह के 4 बजे हुए, फाइनली ये डे आ गया है। इंडिया से ऑस्ट्रेलिया में जर्नी कर रहा हूँ और मेरी सुबह की 9 बजे फ्लाइट है। मैं रात 1 बजे सोया था और अभी उठ गया, तो अच्छे से नींद भी नहीं आई है। तो मैं दिखाता हूँ अपनी जर्नी इंडिया से ऑस्ट्रेलिया की। चलो चल रहा हूँ, बैग देते मेरा, फोन करता हूँ मैं वहां पहुंच गया। तो हाय गाइस, मैं अभी एयरपोर्ट के अंदर हूँ, दिल्ली एयरपोर्ट। किसी भी गेट से आप एंट्री कर सकते हो। तो एंट्री करने से पहले ही वो जो आपका पासपोर्ट और आपकी फ्लाइट डिटेल आपकी चेक करते हैं और फिर आपको अंदर आने देते हैं। जैसे ही अंदर आते हो आप अपनी फ्लाइट डिटेल देख सकते हो। जैसे मेरी फ्लाइट सिंगापुर एयरलाइन है 9:00 की और चेक इन ऑलरेडी चालू है, एल काउंटर पे जाना है मुझे, ठीक है। जैसे ही आप अंदर आओगे तो ये बड़ा सा बोर्ड दिखेगा आपको, यहाँ पे अपनी फ्लाइट और चेक कौन से काउंटर पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ होता है कि चेक इन स्टार्ट हो गया है नहीं हो गई है, तो ये चेक करोगे और डायरेक्टली आप वहाँ पे जाओगे। चलते हैं एल पे, तो हमारा एल यहीं पे है, सीधा इसी के सामने। यहाँ पे चेक इन स्टार्ट हो गई है उनकी। तो एक चीज सबसे बढ़िया क्या है यहाँ पे कि मैंने अपनी ऑनलाइन चेक इन कर ली थी और सिंगापुर एयरलाइन से मैं ट्रेवल कर रहा हूँ। तो पहले दिल्ली से सिंगापुर जाऊँगा और उससे आगे फिर सिंगापुर में 6 घंटे का मेरा ले ओवर है, फिर उसके बाद मेरे पर्थ की फ्लाइट है। तो मैंने ऑनलाइन पहले ही इंटरनेट चेक इन कर ली थी, तो इनका क्या सेपरेट लाइन लगी हुई है, आप देख सकते हो उधर कितनी भीड़ लगी हुई है। अगर ऑनलाइन चेक इन नहीं करता तो मैं उस लाइन में लगना पड़ता। मैंने ऑनलाइन चेक इन कर लिया, तो मैं इसमें जाके 2 मिनट में अपना बैगेज यहाँ पे दे के वो बोर्डिंग पास ले सकता हूँ, विच इज़ प्रीटी गुड फॉर मी कि 5-7 मिनट लगेंगे मेरे को मैक्सिमम, और मेरा लगेज भी यहाँ पे चला जाएगा और मुझे बोर्डिंग पास ही मिल जाएगी बहुत जल्दी। तो वाइज आप यहाँ पे बोर्डिंग पास के लिए आओगे जहाँ पे आप लगेज भी देते हो। तो मैंने यहाँ पे अपना पासपोर्ट दिया है इनको, पासपोर्ट और अपना फ्लाइट डिटेल, अपना वीजा, तो 3 डॉक्यूमेंट इन्होंने मांगे यहाँ पे। और मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैं क्या क्या कैरी कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट अपने साथ, जो मुझे यहाँ से इंडिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक जो मुझे जरूरत पड़ेगी सारी डॉक्यूमेंट्स की। तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगेगा। मैं लैपटॉप तो कैरी कर सकता हूँ ना अपने साथ, लैपटॉप नहीं, जो पावर बैंक है वो लैपटॉप है मेरे बैग में मेरे साथ। हाँ ओके, तो आप यहाँ पे जो आपका लैपटॉप होगा और पावर बैंक होगा वो आप अपने साथ कैरी कर सकते हो, क्योंकि लगेज में अलाउड नहीं होता है, तो ये बात ध्यान रखने आप आपको। तो अभी मैं जैसे सिंगापुर में मेरे ले ओवर है, तो मुझे बैगेज का कोई टेंशन नहीं है, वो डायरेक्ट फ्लाइट में चला जाएगा जो मेरी सेकेंड फ्लाइट होगी। सीधा मुझे आप पर्थ में लगेज मिलेगा। ओके ठीक है, थैंक यू। ओके ठीक है। वैसे बोर्डिंग पास मिल गया, ऑलमोस्ट 3-4-5 मिनट लगी है मेरे को यहाँ से। और इन्होंने बताया कि जैसे मैंने लगेज दिया है यहाँ पे, तो अब मेरे को डायरेक्टली क्योंकि मेरे लिए हुआ मुझे पर्थ में ही मेरा लगेज मिलेगा। ठीक है, चलते हैं अब आगे अपनी सफर को स्टार्ट। ही आप गाइज अपना बोर्डिंग पास ले लोगे, आपको यहाँ पे बड़ा बड़ा दिखेगा इंटरनेशनल डिपार्चर, तो आपको इसमें एंटर करना होगा। गाइज आई बिलीव कैमरा अलाउड नहीं होता, तो मैं कोशिश करूँगा कि कैमरा ना चलाऊँ यहाँ पे, बट मैं बताऊँगा कि आपको क्या क्या चेक करते हैं ये। तो जो भी फर्स्ट टाइम ट्रैवल करेगा इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया कैसे भी इंटरनेशनल फ्लाइट में, तो आई होप इस वीडियो के बाद उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं सारे डाउट क्लियर करूंगा इस वीडियो में और सारी स्टेप अपने बताऊंगा कैसे कैसे मैं चेक इन कर रहा हूं, बोर्डिंग पास, फिर अपना सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस वो बोलने लगी कि फ़ोन अंदर रख लिया, तो ठीक है शायद हाँ शूट नहीं कर सकते यहाँ पे। तो उन्होंने बस मेरा पासपोर्ट, अब मेरा वीज़ा और मेरा बोर्डिंग पास चेक किया। अब मैं जाता हूँ आगे, जो मेरा आगे जो स्टेप है मेरा, यहाँ पे मेरा सिक्योरिटी चेक इन है काइंड ऑफ, ये तो वहाँ पे ये सारी चीज़ चेकिंग होगी अब मेरी। तो भाई इन्होंने सब मेरा इलेक्ट्रॉनिक सामान सारा का सारा निकलवा दिया था, इवन मेरे तो शूज़ भी निकलवा दिए थे इन्होंने, और लैपटॉप वगैरह सब बैग से सेपरेट करवा दिया था जितना भी है।
तो गाइस जैसे ही आपकी सिक्योरिटी कंप्लीट हो जाती है आप ड्यूटी फ्री में एंट्री कर जाते हो। तो मेरे पीछे यहाँ सिक्योरिटी चेक इन हुई है मेरी, और यहीं पे गेट नंबर लिखे होते हैं कि 1 से 26 इधर जाना है लेफ्ट में, और आपको कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। अब हम तो गाइस मैं एक अपडेट दे जाऊँगा आपको कि मैं ऑलमोस्ट 5:30 बजे मैंने एयरपोर्ट से अंदर एंट्री किया था और अब 6 बज रहे हैं। तो इसमें मैंने एयरपोर्ट के अंदर एंट्री भी किया, अपनी चेक इन भी की है, मैंने बोर्डिंग पास जिसको बोलते हैं बोर्डिंग पास भी लिया है और अपना लगेज भी दिया है, और फिर उसके बाद जो पासपोर्ट और अपना बोर्डिंग पास चेक होता है वो वाला प्रोसेस भी कंप्लीट किया, फिर उसके बाद हमने सिक्योरिटी चेक इन भी करी विद इन 30 मिनट, और अब मैं अंदर ड्यूटी फ्री में हूँ। कैन यू बिलीव दैट कि 30 मिनट में मैंने सारी चीज़ कर ली है, मैक्सिमम 30 मिनट भी नहीं लगे हैं कि पहले ऑनलाइन चेक इन कर लेते हो। आपको यहाँ पे सेपरेट लाइन देखने को मिलती है और आप वहाँ पे विद इन फ्यू मिनट्स अपना लगेज अपना बोर्डिंग पास ले सकते हो, और आपको यही रिकमेंड करूंगा आप ऑनलाइन चेक इन करें। तो गाइज मेरा गेट नंबर है 9, तो उन्होंने मेरे को बताया कि गेट नंबर 9 थोड़ा सा दूर है तो आप वो जल्दी चले जाना सर, बट अभी 6:00 है और मेरी फ्लाइट 9:00 है, तो ऑलमोस्ट मेरे पास 3 घंटे हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्यूटी फ्री थोड़ा सा घूमूंगा, और फूड कोर्ट मैं आपको लेके चलता हूँ। अब जैसे ड्यूटी फ्री में एंटर करोगे तो आपको बीच रास्ते में आपको फूड कोर्ट मिलेगा, तो आप यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे है फूड कोर्ट, तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे दिल्ली स्ट्रीट है और आपको बहुत सारी चीज़ देखने को मिल जाएगी, सबवे, डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स, KFC, और वहाँ पे साउथ इंडियन का भी है, तो ये चीज़ आपको फूड कोर्ट में देखने के लिए मिल जाएगी, आप खा सकते हो यहाँ पे। बट हाँ आई बिलीव थोड़ा सा प्राइस एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू बाहर से, पर अगर भूख लगी तो आपको खाने की वजह से। चलने से पहले मम्मी ने मेरे लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स अच्छे से घी में तल के दे दिए थे मुझे एक टिफिन बॉक्स में, हाँ आप लेके आ सकते हो। तो मैं अभी वही खा रहा था, तो अभी उन्हीं की याद आ रही थी कि तो गाइस मैं क्या क्या डॉक्यूमेंट अपने साथ कैरी कर रहा हूँ। तो पहली चीज़ आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, 6 मंथ्स की वैलिडिटी होनी चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए, आप डबल चेक कर सकते हो क्या, आप डबल चेक कर सकते हो, 6 मंथ्स की वैलिडिटी होनी चाहिए। सेकंड चीज़ मैं बताता हूँ आपका वीज़ा है उसकी ज़ीरोक्स कॉपी आपके पास होनी चाहिए इन एनी हाउ, आप डबल चेक करोगे ज़ीरोक्स कॉपी ऑफ योर वीज़ा। तीसरी चीज़ आपके पास जब आप हेल्थ चेकअप कराते हो, जब आप वीज़ा फाइल करते हो उसके बाद हेल्थ चेकअप कराते हो ना, उसके बाद जो आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता है ठीक है, वो आपके पास कैरी होना चाहिए, क्योंकि जब आप ऑस्ट्रेलिया उतरोगे लैंड करोगे तो आप वहाँ पे वो चेक करेंगे इमिग्रेशन पे, तो आपको वो ज़रूर आपको कैरी करना है ठीक है। चौथी चीज़ मैं बताऊँगा आपको आपका एयर टिकट बहुत मैंडेटरी है, आप उसको बेटर है आप प्रिंट आउट करा के अपने पास रख के जैसे ही आप एंट्री करते हो वहाँ से लेके लास्ट तक आपका एयर टिकट बहुत ज़रूरी आपके पास होना चाहिए ठीक है। बट लास्ट चीज़ जो आपका COE letter, क्या COE letter जो कन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट जो यूनिवर्सिटी कॉलेज से मिलता है आपको, वो आप कैरी करोगे जब आप ऑस्ट्रेलिया पहुंचोगे, तो वहाँ की इमिग्रेशन से कभी भी वो COE letter पूछ सकती है, ये 5 डॉक्यूमेंट। तो गाइज मैं अपने बोर्डिंग जो गेट है मेरा गेट नंबर 9 उसके पास आ गया हूँ, मुझे बीच रास्ते में एक चाय पॉइंट दिखा, घर से अपने झोले में 4 पराठे लाया था मम्मी के हाथ के बने हुए देसी घी के, और मैंने अब चाय ले ली है चाय पॉइंट से, पराठे खाऊंगा, पराठे मम्मी के हाथ के बने हुए का स्वाद देसी घी से आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो लास्ट टाइम मैं अपने मम्मी के हाथ के खाना पराठे खाऊंगा। चलिए तो गाइस 2 घंटे बकचोदी करने के बाद तो बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, मेरा सीट नंबर है 66, तो 63 से लेकर 75 तक सीट की पोलिंग हुई है अंदर जहाज में बैठते हैं बोर्डिंग पास देके इनको, चलो चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे इन्होंने मेरा बोर्डिंग पास अपना चेक किया और फिर अब हम फ्लाइट के लिए तरफ जा रहे हैं। ईयरफोन एक मैंने भी ले लिया, देखते हैं कि ये फ्री है ईयरफोन ओके। तो यहाँ पे गुड मॉर्निंग, थैंक यू। तो ईयरफोन मैंने भी ले लिया यहाँ पे, मैंने उनसे पूछा है तो उन्होंने बोला कि हाँ फ्री में है ये आप लेके सकते हो, तो मेरी सीट नंबर है 66, थैंक यू। राम राम जी। तो गाइस हम
अपनी सीट पे बैठ गए, मैंने विंडो साइड ली थी, तो जब आज हमने दादल देखेंगे सिंगापुर चलते हुए दिल्ली से, हमारे साइड में अम्मा जी बैठे हैं, क्योंकि नमस्ते अम्मा जी बैठे हैं हमारे साइड में, तो वो भी शायद सिंगापुर शायद मेले जा रहे हैं बता रहे हैं। तो भाई मैं आपको बता दूँ, ये जो मेरे गले में आप ये सांप सा देख रहे हो, इसको बोलते हैं ट्रैवल किलर, ठीक है। बिना इसके आप ट्रैवल नहीं करोगे, आपकी गर्दन ऐसी हो जाएगी ना, ऐसी हो जाएगी पूछो मत। ये 200-300 रुपए खर्च करके ये ज़रूर ले आना, क्योंकि इसी से आराम मिलेगा, आप ऐसे करके सो सकते हो। अगर ये नहीं लाओगे तो बहुत दिक्कत होगी। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये इन्होंने एक चादर दी है बढ़िया सुंदर अपना, बाय बाय, थैंक यू। सो फाइनली गाइज हम सिंगापुर पहुंच गए हैं, ऑलमोस्ट 6 घंटे का हम ट्रैवल करके दिल्ली टू सिंगापुर आए हैं। यहाँ पे अब मेरी नेक्स्ट फ्लाइट होगी सिंगापुर टू पर्थ। यहाँ का जो अभी टेम्परेचर हो रखा है वो 32 डिग्री, अभी यहाँ पे शाम के 5:15 के आसपास बजे हुए हैं। तो गाइज चलते हैं अपनी दूसरी फ्लाइट पकड़ने के लिए। ऑलमोस्ट हमने 6 घंटे यहाँ पे बकचोदी करी है एयरपोर्ट पे, बहुत सुंदर एयरपोर्ट है ये। अगर आपको कभी भी चांस मिलेगा तो फॉर श्योर आप कनेक्टिंग फ्लाइट यहाँ की लें। जैसे मैंने बताया पहले भी कि ये वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट माना जाता है, और अभी 6 घंटे का और ट्रैवल बचा है मेरा, तो चलिए अपनी फ्लाइट पकड़ते हैं और इस जर्नी को फिनिश कर दें बहुत जल्दी। तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, हम ऑस्ट्रेलिया आ गए हैं फाइनली। मैं अभी पर्थ के एयरपोर्ट पे पहुंचा हूँ, सुबह के यहाँ 5:40 का टाइम हो रहा है। और मैं दिखाना चाहता हूँ, ये एक अराइवल कार्ड मिला है, तो इसको फिल करना होता है और इमिग्रेशन पे देना होता है। तो अभी मैं ड्यूटी फ्री पे हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैंने देखा लिखा हुआ था कि आप वीडियो नहीं बना सकते ऐसी कुछ करके, तो मैं साइड में ड्यूटी फ्री पे आके वीडियो बना रहा हूँ। देखते हैं इमिग्रेशन पे क्या पूछते हैं ये। तो हाय गाइस, इमिग्रेशन तो हो गई है, पर उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। पर जैसे ही मैंने पासपोर्ट दिखाया और उससे आगे चला, तो वहीं पे एक ऑफिसर खड़े थे, तो उन्होंने मेरे को बुला लिया और पूछने लगे, कहाँ से आ रहे हो, का इंटेंट क्या है ट्रैवल करने का, फर्स्ट टाइम आ रहे हो, कहाँ पे रुकोगे, बहुत सारे क्वेश्चन करने लगे, आपका प्लान क्या है आफ्टर स्टडी, ये सारी चीज़ें उन्होंने क्रॉस चेक किया। फिर मैं लगेज लेने आया, तो लगेज जब लेने जा रहा था तो फिर एक और ऑफिसर मिल गए मुझको, फिर वो पूछने लगे कोई अल्कोहल सिगरेट वगैरह तो नहीं है बैग में, तो मैंने मना कर दिया उनको। और अभी मैं लगेज ले रहा हूँ अपना, लगेज लेने के बाद चलते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे से बोला है कि सेव द चैट लेटर, देखते हैं अगर वो कुछ आगे अभी बातचीत करते हैं या कैसे, अभी मेरे को भी नहीं पता। जब हम लगेज ले लेते हैं, उसके बाद एक सिक्योरिटी पॉइंट आता है जहाँ पे ये हमारे लगेज पूरा ऐसे फिर से एक और बार क्लोज चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं है ये जो मिर्च मसाले हम इंडिया से लाते हैं, ड्राई फ्रूट्स लाते हैं, कुछ भी खाने का आइटम अलाउड नहीं है यहाँ पे। तो आप कोशिश करना कि कुछ ना लाओ यहाँ पे खाने का आइटम। और एक और चीज़, अगर कोई मेडिसिन कैरी कर रहे हो तो उसकी प्रिस्क्रिप्शन होनी बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आपने फिर भी कुछ अपने लगेज में, अपने बैग में कुछ रखा हुआ है, जो मैंने आपको फॉर्म दिखाया था पहले, तो उसमें सारे क्वेश्चंस रहते हैं वो, और आप वहाँ पे टिक कर सकते हो कि आपके पास क्या क्या है। तो बस यही था हमारा इस जर्नी में इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया में लिए। अब चलता हूँ अपनी एक अलग लाइफ स्टार्ट करने, बाय।